गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास, आज आप लोगों की इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। इंग्लिश ग्रामर में जो आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है प्रोनाउन। वैसे मैं हज़ार बार आप लोगों को ये चैप्टर पढ़ा चुका हूँ, तो आई होप आप लोगों को अभी भी थोड़ा बहुत याद होगा प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन होता है जो नाउन की जगह लगे उसे प्रोनाउन कहते हैं। अब आप पूछोगे नाउन क्या होता है, तो नाउन किसी भी व्यक्ति, नाउन क्या होता है किसी भी व्यक्ति, मैं यहाँ पे इंग्लिश में लिखेंगे, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग का नाम। इनमें से कोई भी हो, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग, इनके नाम को हम नाउन कहते हैं। जैसे कि मंजू, सबा, आफ्ताब, लायन, लायनेस, काओ, बुल, ये सब जो हैं आपके नाउन हैं। बट अगर हम जैसे मान लीजिए एक पर्सन पकड़ लेते हैं, अमित, ठीक है। अब हमें अमित के बारे में 10 लाइनें बोलनी है, ठीक है। तो अगर हम अमित के बारे में 10 लाइन बोलते हैं कि अमित इज़ अ गुड बॉय, अमित, मैं हिंदी में बोलता हूँ, अमित एक अच्छा लड़का है, अमित स्कूल जाता है, अमित मम्मी पापा की बातें सुनता है, अमित, तो बार बार अमित अमित बोल रहा हूँ तो वो समझ में नहीं आ रहा है। तो अमित अमित कम बोलना चाहिए हमको। जब हम बार बार एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें उसका नाम बार बार लेने की ज़रूरत नहीं होती है। तो हमें क्या करने की ज़रूरत होती है, अमित को हम बदल के हम उसको हिंदी में बोलते हैं वो। अगर हम हिंदी में 10 लाइन बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे अमित अच्छा लड़का है, अमित वो स्कूल जाता है, वो अपनी मम्मी पापा की बात मानता है, वो ट्यूशन का काम पूरा करता है। तो इस तरह की बात है, हम जो है हमने अमित को किससे रिप्लेस कर दिया, वो से, ठीक है। और वो क्या होता है हमारा, ये हमारा प्रोनाउन होता है, ये नाउन है। नाउन को रिप्लेस किसने किया, वो ने। इंग्लिश में क्या होता है, ही। अगर लड़का है तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी मैं यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख देता हूँ, वर्ड्स विच रिप्लेस नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल, अमित इज अ गुड बॉय, ही फिनिशेस हिज होमवर्क डेली, ठीक है। होमवर्क को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप पूरा लिख लीजिए। तो अमित एक अच्छा लड़का है, वो अपना काम टाइम से पूरा करता है, डेली पूरा करता है, ठीक है। फिनिश करता है मतलब पूरा करता है, हिज मतलब अपना, होमवर्क डेली यानी के रोज़। तो जो भी टाइम होता है ना वो हमेशा आखिर में आता है, तो इसलिए मैंने डेली आखिर में लिखा है। तो अमित है एक अच्छा लड़का, वो पूरा कर लेता है अपना काम रोज़, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नाउन क्या है, नाउन को हम सर्कल करेंगे, नाउन हो गया अमित, और प्रोनाउन को हम अंडरलाइन करेंगे, तो प्रोनाउन क्या हो गया हमारा, ही, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप नेक्स्ट लाइन में, या आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इसको एज इट इज, ठीक है। नाउन को आपने सर्कल कर दिया, ऊपर छोटा सा आपने सर्कल के अंदर लिख देना आप नाउन, और ही को आप अंडरलाइन कर देना, और अंडरलाइन के नीचे आप लिखना प्रोनाउन, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मिटाने के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोनाउन आर एज फॉलोज, ये आपकी बुक में नहीं है, ये मैं अलग से दे रहा हूँ आपको। तो इसमें हम देखते हैं प्रोनाउन किस किस तरह के होते हैं। तो एक हम जानते हैं ही और शी, लड़का है तो ही और लड़की है तो शी, इट, दे, ठीक है। और आपका आता है आई, आई भी मैं प्रोनाउन है, मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई, ये प्रोनाउन है। और यू, ये भी प्रोनाउन है, यानी कि तुम, ये प्रोनाउन है। और वी, हम, ये प्रोनाउन है। तो
तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं प्रोनाउन के, इसके अलावा भी कुछ हम पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी हम ये समझ लें कि ये प्रोनाउन्स हैं। ठीक है, ये भी आप अपनी कॉपीज में लिखेंगे। आगे अगर हम देखते हैं तो आपकी बुक में अगर आप रीड करोगे तो काइंड ऑफ प्रोनाउन्स हम पढ़ने वाले हैं। तो काइंड ऑफ प्रोनाउन्स हम देख लेते हैं। ये जो हमने पढ़े ये सम एग्जाम्पल्स थे कि प्रोनाउन्स में किस किस तरह के वर्ड्स यूज होते हैं, ही शी इट दे यू वी आई, ये सब प्रोनाउन्स होते हैं। अब प्रोनाउन होते कितने तरह के हैं यहाँ पे हम देखते हैं। तो प्रोनाउंस जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हम देख रहे हैं कि प्रोनाउंस दो तरीके के हैं। एक आपका पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है और एक आता है आपका एक आपका पर्सनल प्रोनाउन हो गया और दूसरा हो गया आपका पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। तो अगर फर्स्ट पर्सन की हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है कि मैं या हम अपने बारे में जब बात करते हैं, जब हम और मैं अपने बारे में बात करते हैं तो उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। अब अगर जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं कि मैं साफ पब्लिक स्कूल में पढ़ता हूं तो ये क्या है, फर्स्ट पर्सन है। अगर मैं बोलूँ हम साफ पब्लिक स्कूल में पढ़ते हैं तो वो भी फर्स्ट पर्सन है। वहीं पे अगर एक सेंटेंस ऐसा हो रहा है कि वो साफ पब्लिक स्कूल में पढ़ता है तो ये मैं अपने बारे में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो जब हम अपने बारे में बात करते हैं तो उसे हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज है, जब हम अपने बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। इसको आपको चार्ट को अपनी कॉपीज में बनाना है तो अगर आप चाहो तो आप हिंदी में लिख सकते हो याद रखने के लिए, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें हम किस किस तरह के वर्ड्स आ सकते हैं जब हम अपने बारे में बात करते हैं। एक तो मैं आ सकता है यानी कि आई, और एक हम आ सकता है यानी कि वी। इसके अलावा और कोई वर्ड होता है मैं और हम के अलावा? नहीं ना, तो यही दो वर्ड्स होते हैं। तो केस में हमने दो वर्ड्स ले लिए हैं, एक हमने ले लिया आई, एक हमने ले लिया वी। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव। तो दो केस होते हैं हमारे, एक होता है सिंगुलर और एक होता है हमारा प्लूरल, यानी कि सिंगल मतलब एक और प्लूरल मतलब दो। तो हम दो केसेस पढ़ रहे हैं यहाँ पे, पहला केस है सिंगल और दूसरा केस है प्लूरल। तो सिंगुलर में अगर मैं अपने बारे में बात कर रहा हूँ, सिंगल हूँ मैं, अकेले हूँ। ठीक है, एक आदमी जब अपने बारे में बात करेगा तो वो मैं बोलेगा, तो मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। और जब एक से ज्यादा लोग अपने बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। प्लूरल के केस में क्या वर्ड आएगा, वी। आई मतलब मैं और वी मतलब हम। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों ही वर्ड से हमें पता चल रहा है कि हम अपने बारे में बात करने वाले हैं, मैं अपने बारे में बात करने वाला हूँ या हम अपने बारे में बात करने वाले हैं। तो ये दो वर्ड्स होते हैं फर्स्ट पर्सन में। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में आई होगा और वी होगा। ठीक, पोजेसिव केस, पोजेसिव जैसे पोजेसिव नाउन हमने पढ़ा है, पोजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है कि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन की विशेषता बताए। ठीक है, तो पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो ये बताए कि नाउन किसका है। ठीक है, नाउन अगर मेरा है या हमारा है, ठीक है, तो उसे हम पोजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं, मेरा और हमारा, मेरा और हमारा। ठीक है, तो आई वी ये दो केस हैं नॉमिनेटिव, या तो आई हम बोलते हैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव, वी आर अ स्टूडेंट ऑफ क्लास फाइव, वी आर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास फाइव, दिस इज माई बुक, दिस इज आवर बुक। ठीक है, तो ये पोजेसिव एडजेक्टिव हो गए। पोजेसिव प्रोनाउंस जो हमने पढ़े थे, ये बुक
मेरी है, दिस बुक इज माइन, ठीक है। ये जो पोजेसिव प्रोनाउन होते हैं वो अक्सर लास्ट सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, ठीक है, ये सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं, ये आपके नाउन से पहले लगते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूं, जैसे दिस इज माय साइकिल, ठीक है। और अगर पोजेसिव प्रोनाउन में हम माइन या आवर्स, प्लूरल में क्या होगा, आवर्स, तो इसी का जैसे हम प्लूरल में बनाते हैं, दिस इज आवर साइकिल, ठीक है, ये मेरी साइकिल है, ये हमारी साइकिल है, ठीक है। पोजेसिव एडजेक्टिव में नाउन से पहले एडजेक्टिव लगेगा, ठीक है। नाउन क्या है, साइकिल, साइकिल से पहले हमें एडजेक्टिव लगा जिससे हमें नाउन के बारे में विशेषता पता चली, उसकी विशेषता क्या है कि वो मेरी है। साइकिल से पहले आवर लग गया तो उसकी विशेषता क्या है, वो हमारी है, ठीक है। तो उसी तरह प्रोनाउंस, जब पोजेसिव प्रोनाउन लगता है तो ये लास्ट में लगता है, सेंटेंस के लास्ट में। अगर इसी को सेंटेंस को मैं अगर पोजेसिव प्रोनाउन करूंगा तो ये हो जाएगा दिस साइकिल, ये साइकिल इज माइन, मेरी है। और उसी का मैं आवर्स में करूंगा, दिस साइकिल इज आवर्स, ठीक है। तो आपको बात समझ में आई होगी कि ये साइकिल मेरी है, इसमें पोजेसिव एडजेक्टिव लगा हुआ है, दिस इज माय साइकिल, दिस इज आवर साइकिल, और यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउन में क्या लगता है, दिस साइकिल इज माइन, दिस साइकिल इज आवर्स, इसमें क्या है, अधिकार की बात हो रही है, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लग रहा है ये हमारी साइकिल है, ठीक है, ये दोनों में हमारी साइकिल मेरी साइकिल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अधिकार वाली बात ज़्यादा आती है जब हम इस तरह सेंटेंस बोलते हैं पोजेसिव प्रोनाउन की तरह, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट, तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। एक सेंटेंस में तीन वर्ड होते हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो मेन होते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट कौन होता है, जो काम करता है, वर्ब क्या होता है, काम, और ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। अगर आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो मैं खेल रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, काम क्या कर रहा हूँ, क्रिकेट, मतलब खेल रहा हूँ, सॉरी, मैं खेल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो क्रिकेट क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, ठीक है। तो उसी तरह हम जब फर्स्ट पर्सन में बात करते हैं तो हम अपने आप को भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, कैसे, कि जैसे ये बुक मुझे दो, ठीक है, मैं बोलूँगा कि ये बुक हमें दो, तो हम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट, दे कौन रहा है, सामने वाला दे रहा है या जो भी दे रहा है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूँ, लेकिन इस जब मैं अब फर्स्ट पर्सन जब मैं जो बात कह रहा हूँ वो बात में मैं अपने आप को क्या कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, कि ये किताब मुझे दो, ये साइकिल हमें दो, समझ में आया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्टिव लिख दिया मैंने यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं और हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, मी एंड अस, गिव दिस बुक, गिव दिस बुक टू मी, गिव दिस बुक टू अस, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट हम बन गए, इस इन सेंटेंसेस में हम ऑब्जेक्ट बन जाते हैं जब हम इस तरह बोलते हैं। ऑर्डर हम सामने वाले को दे रहे हैं, बोल हम अपने लिए रहे हैं जिसमें हमने अपने आप को ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट पर्सन, जब फर्स्ट पर्सन बातें बोलेगा तो वो इन वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकता है, आई, वी, माई, आवर्स, माइन, आवर्स, मी, अस, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड पर्सन, सामने वाले के लिए, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो सेकेंड पर्सन में जब हम बात करते हैं तो हम सामने वाले से बोलते हैं कि तुम कहां थे, या तुम कल स्कूल आओगे, या जो भी है। तो इसमें भी हम दो केस लेंगे, या तो तुम जो है वो कोई एक बंदा है, या तुम जो है वो प्लूरल है, एक से ज्यादा है, ठीक है। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि आप कल स्कूल जाओगे, या आप कल स्कूल गए थे, तो हम आप जो यू है उसका इस्तेमाल करेंगे सिंगल के लिए,
और प्लूरल होगा तो भी हम यू का ही इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें जैसे सिंगल प्लूरल में वर्ड चेंज हो जाता है, मैं और हम, यहाँ पे तुम और तुम सब दोनों के लिए यू का वर्ड होगा, यू का इस्तेमाल होगा। ठीक है, पोजेसिव एडजेक्टिव मैंने आपको बताया था नाउन से पहले लगेगा और ये नाउन की विशेषता बताएगा, ये तुम्हारी किताब है, ये तुम्हारी किताब है, ये तुम सब की किताब है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके लिए कौन सा वर्ड होगा, योर। यहां पे भी क्या होगा, योर। ठीक है, योर। और ये बुक तुम्हारी है, ठीक है, इसमें क्या हो गया, ये तुम्हारी किताब है, ये किताब तुम्हारी है। ठीक है, तो इस तरह का फर्क है दोनों में। पोजेसिव एडजेक्टिव में ये नाउन से पहले लग जाएगा और पोजेसिव प्रोनाउन में इसमें क्या लग जाएगा, ये वर्ड के सेंटेंस के आखिर में लगेगा और यहां पे योर की जगह योर्स हो जाएगा। दिस बुक इज योर्स, दिस बुक इज योर्स, दोनों का मतलब क्या है, आप क्या, चाहे वो एक हो तो भी योर्स बोलेंगे, चाहे वो एक से ज्यादा हो तो भी योर्स बोलेंगे। और यहां पे अगर दिस इज योर बुक अगर एक है तो, और दिस इज योर बुक अगर दो है तो भी, समझ गए। तो पोजेसिव एडजेक्टिव में और पोजेसिव प्रोनाउन में दोनों में सेम वर्ड्स यूज हो रहे हैं, यू में, यू यू, योर योर, योर्स योर्स। ठीक है, और अगर तुम ऑब्जेक्ट बन रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूं कि मैं तुम्हें किताब दूंगा, ठीक है, मैं काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन हो गया मैं, काम क्या हो गया देना, और क्या किसको दे रहा हूं किताब, तुमको दे रहा हूं। ठीक है, तो मैं तुमको किताब दे रहा हूं, तो तुम क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, और अगर एक हो तो भी यू, और अगर एक से ज्यादा हो तो भी यू। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूं आई विल गिव इट टू यू, मैं ये तुम्हें दूंगा, तो अगर एक हो तो भी यू, और अगर एक से ज्यादा हो